अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अली हसन हमारे साथ हैं, इनको भी मैं वेलकम करता हूं जी। खुश आमदीद। मोहम्मद जुनैद अमन कह रहे हैं जी, W11 इन्होंने लिखा है कुछ। अमीर अरशद, आपको वेलकम करता हूं। तैमूर सिद्दीकी, प्यारे बच्चे कैसे हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो, फिटफाट हो? सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए इस लाइव स्ट्रीमिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकें और इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखें। आजकल माशाल्लाह मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी यहाँ पे वापस आते हुए। फैसल मलिक, आपको वेलकम करता हूँ। वकास गुजर दिल भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। असद निज़ामानी हमारे साथ हैं, इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। मैविज फयाज हैं, खुश आमदीद। हुमैरा यूनिस, आपको भी वेलकम करता हूँ। सैमा बारी हमारे साथ हैं, अतिया सलीम हैं, हमाद अहमद हैं, अनवर अली ने ज्वाइन किया है, आपको वेलकम करता हूं। आपके शहरों का मौसम कैसे है जी? अपने अपने शहरों का भी बता दीजिए। मैं ठीक हूं। अदील भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, आपको वेलकम करता हूं। अदील भट्ट कैसे हैं आप? ठीक हैं। मरियम अहमद, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मरियम, आप कैसी हैं? सब खैरियत है आप सबके पास? आपकी फैमिलीज ठीक हैं? अपडेट कीजिएगा मुझे। अतिया सलीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब खान ने ज्वाइन किया, हमें खुश मिजाज आए हैं हमारे साथ, वालेकुम सलाम। सलीम महर हमारे साथ हैं, एम तोकीर बल्ती आए हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। कहाँ से ज्वाइन किया है बल्दी साहब आपने? शफी खान ने ज्वाइन किया है, माशाल्लाह बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, थोड़ी सी अपडेट कर दीजिए, कहीं सिग्नल ब्लर तो नहीं हो रहा है, ब्रेकेज तो नहीं हो रही? अली हसन ने ज्वाइन किया, रिप्लाई प्लीज़। अली हसन, आपका पिछला कमेंट तो स्किप हो गया, क्या पूछ रहे थे? मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, मुझे बताइएगा। उमैर सलाफा साहब हमारे साथ हैं, इनको भी वेलकम करता हूँ। उमैर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आसमान के ऊपर आपको मरी की तरफ हल्के फुल्के बादल नज़र आ रहे होंगे इस वक्त। जाबिर शाह हमारे साथ, वकास गुजर करें जी, A1। अहमद जमान खान नियाजी हमारे साथ हैं, कितना है वे सही इस्लामाबाद दे वेचो, और देखो खब्बे पास फैसल मस्जिद ही तो नज़र दी पी ओ सी लेफ्ट साइड के उत्ते। अहमद कुरैशी, आपको वेलकम करता हूँ। मीरर से निगा जी HD, बहुत शुक्रिया। सागर शकील हैं हमारे साथ, इमरान अशरफ हैं, अबू जुनैद हैं, वालेकुम सलाम। अदील भट्ट हैं जी, जी मलिक साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ईमान में रखे। जी आपको भी अपने ईमान में रखे। तो आज आपने सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले कि COVID-19 की वजह से पंजाब के 7 बड़े शहर, समझ लें कि पूरा पंजाब ही तकरीबन समझ लें, जो 7 बड़े शहरों का नाम लिया गया है वो पूरा पंजाब भी बनता है, वहाँ पे स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। राशिद मलिक, वालेकुम सलाम, आपको वेलकम करता हूँ। यासिन निज़ामानी, आपको वेलकम करता हूँ जी। जी काले बादल हैं, रऊफ भाई कह रहे हैं काले बादल हैं जी आपकी साइड के ऊपर। शुएब कह रहे हैं जी कोई शेर व शायरी इन्होंने शुरू कर दिए, मैं इस वक्त तो शेर नहीं पढ़ सकूँगा, माजरत मेरी। तो COVID-19 की जो तीसरी वेव है, एक नई किस्म सामने आई है COVID-19 की, P1, P फॉर पाकिस्तान। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त मेडिकल के जो शोबा है उससे रिलेटेड हैं, मेरे क्लास फेलोज़ भी हैं, और आपको पता है कि मेरी PR बहुत है, चाहे पाकिस्तान है चाहे आउटसाइड ऑफ द कंट्री है। ये जो नई किस्म आई है ना P1, ये बड़ी जानलेवा है जी, ये सेकेंड वेव से भी इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है, लिथल है, और इसकी जो रेशो है डेथ की वो सबसे ज़्यादा है। यानी अगर ये 100 पेशेंट्स को अगर P3 किस्म, जो कोरोना की नई किस्म आई है, P1 थर्ड वेव है, तो 100 में से 85% इसने बंदों की जान ली है। यानी 100 में से 85 पेशेंट्स इसके हमले से मर जाते हैं।
तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हमारे मुल्क में इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले अगर 15 दिन में देखा जाए तो कोविड के केसेस में इंतहाई तेज़ी आई है, और जो 1.7 रेशो थी वो आज 4.8 तक पहुंच गई है, जिसके नतीजे में स्कूल्स को बंद किया गया है। मैं थोड़ी सी रोशनी दूँ कि स्कूल्स को क्यों बंद किया जाता है। सबसे पहले उसकी एक सॉलिड रीज़न है। रीज़न ये है कि देखें, हर घर में से एक बच्चा आता है। आप अपने आसपास मोहल्लेदारों को देख लीजिए, आप अपने मोहल्लेदार को नहीं मिलते, कई कई दिन नहीं मिलते, उनके साथ आप गेट टुगेदर नहीं करते, लेकिन आपके ही मोहल्ले से, आपके ही एरिया से, आपके ही कॉलोनी से हर घर में से एक बच्चा स्कूल आता है। ऐसा है या नहीं? जब वो स्कूल आता है तो वापस भी जाता है घर। खुदा न खास्ता इन्फेक्टेड हो जाए कोई भी बच्चा स्कूल से, तो उस एरिया के तमाम घर मुतासर हो सकते हैं। ये एक सॉलिड रीज़न है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार सिर्फ कोरोना स्कूल में ही इनको नज़र आता है, बाकी तो हर चीज़ खुली रहती है, सबसे ज़्यादा स्कूल क्यों बंद करते हैं? तो हमारे फूल जैसे बच्चों के लिए और हम सब की जो सेफ्टी है, उन सब के लिए सबसे पहले स्कूल्स को बंद किया जाता है, क्योंकि हर घर में से, उस एरिया में से, उस शहर में से बच्चे आपस में आते हैं, एक कमरे में बैठते हैं, गेट टुगेदर होता है और वापस जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन पहला कदम स्कूल्स बंद करने का होता है। इस साल वैसे भी, पिछले साल भी पास कर दिया था गवर्नमेंट ने, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई, जो मुझे नहीं लग रहा कि बेहतर हो, क्योंकि हम SOPs के ऊपर अमल दरामद बिल्कुल नहीं कर रहे, तो इस साल भी पास करना पड़ेगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि इस साल भी पास कर दें बच्चों को। ये एक एमरजेंसी सूरत हाल है, ये आलमी एक वबा है, दुनिया की सबसे ख़तरनाक वबा, जिसने पूरी दुनिया को मफलूज कर दिया एक वक्त, उसमें हंगामी सूरत हाल में हंगामी फैसले करने होते हैं। और अगर फूल जैसे बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना है, पढ़ तो रहे हैं वो ऑनलाइन, ये तो नहीं कि वो नहीं पढ़ रहे, ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी है, तो उन सबको प्रमोट कर देना चाहिए इस हंगामी सूरत हाल को देखते हुए। ये मेरी राय है, इससे कोई इत्तेफाक करे या ना करे, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह होता या मेरे अख्तियार में होता तो मैं ये एक्शन कर देता और बच्चों को घर में ही ऑनलाइन तालीम देने की कोशिश करता, वालदैन को रिक्वेस्ट करता कि आप ट्यूशन उनकी जारी रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना हर चीज़ बेकार है। एहतियात करना हमारे ऊपर लाजमी है। अब आज से तमाम होटल्स में पंजाब के खाना बैठ के, यानी खाना तमाम रेस्टोरेंट में बंद कर दिया गया है। पार्क शाम को 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम ख़ुद एहतियात करें, जिस तरीके से हमने पहला एक महीना एहतियात की थी, सैनिटाइज़र यूज़ किए थे, कपड़े तब्दील करते थे, मास्क पहनते थे, सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे। तो हमें एक बार फिर अपने आप को बचाने के लिए हंगामी सूरत हाल अपने घरों में पैदा करनी होगी। हुकूमत से किसी चीज़ की उम्मीद ना रखें, किसी चीज़ की तवक्को ना रखें। प्यारे भाइयों, जितना भी दोस्त इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर दें। एक मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आप सबकी भलाई के लिए, अपनी अगली नस्ल की हिफाजत के लिए। तो हुकूमत से किसी चीज़ की उम्मीद ना करें, अपने बल बोते के ऊपर, अपने सर के ऊपर डिसीजन लें, और अपने फूल जैसे बच्चों को भी और ख़ुद को भी महफूज रखें, क्योंकि P1 जो कोरोना आया है, ये बहुत इस वक्त तक जानलेवा है जी। तो ये मैसेज फैला दीजिए। और शादी हाल भी बंद हैं, वो तो 15 अप्रैल तक बंद हैं, ओपन एयर आप शादी कर सकती हैं। और इस मैसेज को सदका जारिया समझ के जितना भी फैलाना है आपने फैला दें, ग्रुप्स में शेयर करें, टाइमलाइन के ऊपर शेयर करें इस लाइव स्ट्रीमिंग को, अपने दोस्तों को टैग करें, व्हाट्सएप के ऊपर लिंक सेंड कर दें, मैसेंजर के ऊपर लिंक सेंड कर दें। उमर रमज़ान, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम करता हूं जी। आप आगे कमेंट्स पढ़ते हैं।
अबू जुनैद हैं जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही यार? अबू जुनैद वालियम अप करें, मुझे बताइए मेरी आवाज़ नहीं आ रही किसी को, अपडेट कीजिए मुझे। अब्दुलरहमान कुरैशी कह रहे हैं जी बहुत खूब, थैंक यू। हिबा नूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। मुझे अपडेट कीजिए जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरा जुनैद सिंह जी, आपकी बातें सर आँखों पर, बहुत शुक्रिया जी। पी वन परफेक्ट वीडियो एडवाइस। तो वो जो भाई शिकायत कर रहे थे, प्यारे भाई आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम अप कर लें। अच्छा जी, एमजे राजपूत ने कहा जी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजपूत साहब अपडेट करने का। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, मेन मरगला रोड के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। माशाल्लाह लश ग्रीन इस्लामाबाद, अब सरसब्ज हो रहा है, बारिशें हर हफ्ते हो रही हैं। आज रात भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश होगी, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। बशीर अहमद खटार हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करता हूँ। खालिद खाने का जी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया। हमारे जो है बहुत क्लियर आ रही है, बहुत शुक्रिया। उमर रमजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुने आपकी सेहत कैसी है? साहबजादा जाफर खान अब्बासी साहब बावलपुर तो हैं, इन्हें को असा खुश आमदेद आते हैं। सत बिस्मिला देख सही कूँ, क्या हाल इन सोना, ठीक हो, खैरियत, फिट फाट हो? बावलपुर द क्या हाल है? नईम गुजर हैं जी, आ रही है, थैंक यू। हिबा नूर आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत शुक्रिया। तो वो भाई साहब अपनी वॉल्यूम अप करना भूल गए, जो कंप्लेंट कर रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही उनके पास। तो ये एक पैगाम था आप सबके साथ शेयर करना। डे टू डे हमारे साथ हैं अब्दुलरहमान, ज़बरदस्त कह रहे हैं अमीर अरशद, आज तो कमाल का व्यू। ओके, जमाल का व्यू नहीं है, सिर्फ कमाल को छोड़ दें, जमाल का व्यू भी कभी कह दिया करें। हसीनो जमाल, हुस्नो जमाल कहते हैं जी, हुस्नो जमाल। मोमिन अब्बासी हमारे साथ हैं, यू आर इन मरी, ओके। जेनी निसार हमारे साथ हैं, बशीर अहमद कह रहे हैं जी वी आर लिसनिंग योर वॉइस इन श्रीनगर, बहुत शुक्रिया जी। लाल बत्ती के ऊपर रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं होता इस सिग्नल के ऊपर, यहाँ पे खामखा रुक जाते हैं कुछ लोग, ये सिग्नल रुकने वाला है ही नहीं। ये देखें, अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, और यहाँ पे लाल बत्ती हमेशा आन ही रहती है ज़्यादातर, तो हमारे मासूम आवाम यहाँ पे रुक जाती है। अभी बताइए वीडियो क्वालिटी आपके पास ठीक आ रही है? वीडियो एंड वॉइस क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मंजर है इस वक्त आपके सामने। मेरे यूनिस हौसम कह रहे हैं, अब्दुलरहमान कुरैशी मुल्तान का बने, मेरे भाई अभी तो मुल्तान से आया हूँ, आपको बताया नहीं बारी बार, कराची से वापसी के ऊपर। मोमिन अब्बासी, मरी में हल्की बारिश हो रही है जी, बिल्कुल सामने मुझे गहरे बादल नज़र आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में भी थी और यहाँ से ख़त्म हुई है, तो बादल अब वहाँ पर चले गए हैं जी आपके पास। फैसल मस्जिद किसी ने देखनी हो तो मैं दिखा दूं जी, या नहीं जल्दी बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ से लेफ्ट हूँगा तो फैसल मस्जिद आ जाएगी। देखनी है फैसल मस्जिद किसी ने? देखनी है तो जल्दी से बताइए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ज़्यारत करवा देता हूँ। चलें जी, चलें कोई बात नहीं, मैं सबको ज़्यारत करवा देता हूँ। मस्जिद के देखना भी एक सवाब होता है जी, मस्जिद की ज़्यारत भी सवाब होता है, तो चलें मैं आप सबको, क्योंकि मेरे रास्ते में ही आ रही थी फैसल मस्जिद, तो मैं आप सबको फैसल मस्जिद दिखा देता हूँ ताकि ज़्यारत हो जाए। वो देखिए माशाल्लाह सामने क्या खूबसूरत मंज़र है जी, सुभान अल्लाह। शेयर ज़रूर कीजिएगा इस खूबसूरत मंज़र को, इस लाइव स्ट्रीमिंग को। ये देखें जी, इंतहाई दिलकश मंज़र, फैसल मस्जिद की ज़्यारत मैंने कहा कि चलो आपको करवा दूं जी। ये देख लीजिए हमारे जो श्रीनगर के भाई हैं, जो परदेसी भाई हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो भी इस बहाने ज़्यारत कर लेंगे। ये देखें जी, आलम इस्लाम के कई साल तक सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़, और इस वक्त भी दुनिया की चौथी बड़ी मस्जिद है जी माशाल्लाह। ये देखें जी, लुक एट दिस गॉर्जियस व्यू,
यहाँ से आपको पूरा व्यू नजर आएगा। स्क्रीन शॉट जरूर कैप्चर कर लीजिए, अगर अभी ब्लर आ रही है तो बाद में कीजिएगा, ये 4K में अपलोड होगी ये वीडियो। ये लें जी, जिन्होंने स्क्रीन शॉट कैप्चर करना है कर लें जी, फुल व्यू है जी, सुभान अल्लाह, कैप्चर कीजिए जी अगर वीडियो सही आ रही है, नहीं आ रही तो बाद में इस लाइव को देखिएगा, ज़ियारत कर लीजिए फैसल मस्जिद, दुनिया की अदीमो शान मस्जिद माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, और पीछे जो मरगला हिल्स हैं उनका जो मंजर है वो लाजवाब है जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत ही प्यारा व्यू है जी, बहुत ही प्यारा व्यू, दिल को मोह लेने वाला व्यू है जी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस मस्जिद की ज़्यारत कर सकें। उमेर सऊद कुरैशी, प्यारे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपके अहले खाना ठीक हैं, घर में सब खैरियत है, दोस्त अहबाब सब ठीक हैं। हिबा नूरगंज जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जी, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, आप सबके सामने फैसल मस्जिद, इसकी ज़्यारत कर लीजिए, स्क्रीन शॉट कैप्चर करना है कर लीजिए, वाल के ऊपर लगाना है कर लीजिए। अतिया ने कहा जी दिल खुश हो गया, ओके जी दिल खुश हो गया, अच्छी बात है। सामने मरगला हिल्स आपको नजर आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंचेंटिंग व्यूज, लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ट्रिप्स आए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे गैदरिंग थी। अब्दुल रहमान कुरैशी कह रहे थे जी ब्यूटीफुल व्यू, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। मलिया असद हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करता हूँ। इमरान गुजर माशाल्लाह कह रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसल एवेन्यू के ये खूबसूरत मनाजिर हैं। शहजादी नदीम वालेकुम सलाम, आशिफ पिंकी माशाल्लाह कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। चलें जी उमेर भाई, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे प्यारे भाई, जीते रहें, सदा मुस्कराते रहें अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। अथिया गुल ने फूल भेजे, बहुत शुक्रिया। फैज़ समलानी हैं जी हमारे साथ, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा तो, इनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये गाड़ी आगे निकल गई थी लाल बत्ती के ऊपर। राणा अमजद इकबाल हैं जी, ब्यूटीफुल रोड व्यू, राणा साहब खुश आमदीद। आशी पिंकी ने कहा जी दिलकश मनाजिर, बहुत शुक्रिया। जीशान दूध करें जी, इधर से ही मरी को निकल जाएं। उमर रमजान जी वेलकम करता हूँ आपको, मरी में कुछ हो तो फिर निकले ना जी, कोई बारिश, कोई बर्फ की ओले। अब्दुल रऊफ कह रहे हैं जी लिटिल ब्लर, कोई बात नहीं, यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, और जिन्होंने इस लाइव स्ट्रीमिंग का मज़ा लिया, अगर वो बाद में स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं तो 15 मिनट के बाद जब ये लाइव एंड हो जाए, उसके 15 मिनट के बाद जब आप दोबारा से ये लाइव देखेंगे तो तस्वीर आपके मोबाइल फ़ोन से भी बाहर निकल के आएगी, क्योंकि आजकल हम इंतहाई लेटेस्ट स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं जो सबसे जदीद है, और पाकिस्तान के किसी भी फेसबुक पेज के ऊपर 4K में लाइव स्ट्रीमिंग आपको नहीं मिलेगी। HD सारे करते होंगे लेकिन 4K में नहीं मिलेगी, आप चेक कर लीजिए। कल मेरी इस्लामाबाद की भी मौजूद है घर वाली, जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग घर से दी थी, उसको भी चेक कर लें। तो जब ये बंद होगी लाइव तो इसको मैं 4K में अपलोड करूँगा, तो आपको इतना पिक्सल नज़र आएंगे कि आप कहेंगे कि ये कोई प्रोफेशनल वीडियो है, और ये हर बंदे के बस में भी नहीं है कि वो ये सहूलत फेसबुक से हासिल करे। आपको पता है जदीद फीचर्स मैं ही इस्तेमाल करता हूँ सबसे पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग करने का एजाज़ भी मुझे हासिल है। पाकिस्तान में फेसबुक ने जब ये फ़ीचर मुतारफ़ कराया था, जिसका मेरे पास बाकायदा फेसबुक की तरफ से सर्टिफिकेट मौजूद है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 2016 में जून का महीना था। सजाद अनवर हमारे साथ हैं, इनको भी मैं वेलकम करता हूं जी, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, जिना एवेन्यू से आप ये खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं, ब्यूटीफुल इस्लामाबाद। ये देखें जी बैग के ऊपर आपको फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही है, ये देखिए
कितना ज़बरदस्त मंजर है जी, फैसल मस्जिद आपको जाते हुए भी नज़र आ रही है, और अभी आपको सेंटोरस में दिखाता हूँ जी। अब यहाँ से अभी भी फैसल मस्जिद आपको नज़र आ रही है, और ये डबल व्यू है जी, ये आपको सेंटोरस नज़र आ रही है। माशाल्लाह, लैंडमार्क आइकॉनिक बिल्डिंग्स सेंटोरस टावर्स। ये देखें बैकग्राउंड के ऊपर फैसल मस्जिद आपको फिर नज़र आ रही है, और ये देखें सेंटोरस। स्क्रीन शॉट ज़रूर कैप्चर कर लीजिए, दो लैंडमार्क्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स एक ही फ्रेम में। चलें जी, इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे इस खूबसूरत मंजर के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपके साथ गपशप करेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।